नमस्ते जी, धैर्यवान हीलिंग साइंस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों, आज एक स्विच वर्ड के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है डिवाइन। ये शब्द आपने बहुत बार इस्तेमाल किया है, बहुत ज़्यादा बार इस्तेमाल किया आप सभी ने। लेकिन बेटा, कभी आप लोगों ने सोचा है डिवाइन शब्द अपने आप में ही एक स्विच वर्ड है? इस स्विच वर्ड को जिस भी स्विच वर्ड के साथ आप अप्लाई करोगे उसकी पावर डिवाइन के साथ कई गुना मल्टीप्लाई हो जाएगी। चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे पैसों की प्रॉब्लम हो, चाहे बीमारी हो, चाहे डिप्रेस हो, चाहे रिश्ता अपने आप के साथ बिगड़ा हो, चाहे दूसरों के साथ बिगड़ा हो, हर केस में आप डिवाइन शब्द का प्रयोग करके इस स्विच वर्ड के साथ अपनी हीलिंग कर सकते हो या किसी और की हीलिंग करवा सकते हो। ठीक है, वैसे लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में एक जादुई आपको स्विच वर्ड दूंगा और वो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग होगा। चलिए सबसे पहले पकड़ते हैं सब बातों को कि स्विच वर्ड्स, जैसे कि कहीं आप फंसे हो, मैंने बताया था वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ सिखाया था ना, वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ सिखाया था। तो वुल्फ मैजिक के लिए हमने समझा था कि जब भी हम वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ का इंचेंटमेंट करते हैं, हम प्रॉब्लम से बाहर निकलते हैं। हम कहीं पर भी फंसे हुए हैं, वहाँ से हम बाहर निकलते हैं। फॉर नॉट ओनली प्रॉब्लम, हम कहीं भी स्टक हैं, फंसे हुए हैं, अगर इसमें हम डिवाइन कह दें कि डिवाइन वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ, तो इसकी पावर और ज़बरदस्त हो जाएगी। वुल्फ मैजिक में आप सिर्फ बाहर निकलते हैं, लेकिन डिवाइन शब्द का इस्तेमाल, अब देखो डिवाइन शब्द का इस्तेमाल करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई वो डिवाइन के योग्य है या नहीं, है ना। आप कभी कभी ऐसा होता है ना, आपको सिर्फ वुल्फ चाहिए होता है, यू नो, आपको सिर्फ निकलना है, गलती आपकी ही थी, तो वहाँ पे आप डिवाइन को वैसे भी नहीं बुला सकते, डिवाइन पावर को वैसे भी नहीं बुला सकते। बिल्कुल वैसे ही मनी, लाइफ में मनी की प्रॉब्लम चल रही हो, पैसे कहीं अटक रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में एक स्विच वर्ड है डिवाइन मनी फ्लो। क्या? डिवाइन मनी फ्लो, फ्लो 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 फ्लो, पानी जो गिरता है बहता है, फ्लो, डिवाइन मनी फ्लो। ठीक है, मनी फ्लो तो आप समझ में ही आ रहा है, ये तो स्विच वर्ड है, अगर उसमें डिवाइन लगा दिया तो डिवाइन मनी फ्लो, इसका एंचेंटमेंट कीजिए पूरे हृदय से और देखेंगे कुछ ही समय में मनी फ्लो अपने आप शुरू हो जाएगा। ऐसे और भी एग्जांपल देता हूँ, कोई चीज़ नहीं मिल रही है, कुछ खोज रहे हो अपने जीवन में, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, कोई जवाब नहीं मिल रहा है, कोई चीज़ नहीं मिल रही है, कहीं अटके हुए हो, कहीं अपने आप से अपने आप के अंदर कुछ तलाश है, अपने आप को खोज रहे हो, तो बोलो फाइंड डिवाइन ऑर्डर। क्या? फाइंड डिवाइन ऑर्डर, फाइंड डिवाइन ऑर्डर, खोज रहे हो, आपको डिवाइन से ऑर्डर चाहिए कि आप बस ये चाहते हो कि कोई आके, आप कोई भरोसेमंद आके आपसे ये कह दे कि अब ये करना है तुम्हें, अब ये करना है तुम्हें, ये कर लो और आप उस रास्ते चल पड़ो। फाइंड डिवाइन ऑर्डर, डिवाइन ऑर्डर तो चाहिए आपको, फाइंड ऑर्डर तो खोज ही रहते हैं, उसमें लगा दिया डिवाइन। अब आते हैं रिलेशनशिप, रिलेशनशिप किसी के साथ भी बिगड़ा हुआ है, किसी के साथ भी बिगड़ा हुआ है, डिवाइन रिलेशनशिप, अगर डिवाइन रिलेशनशिप बिगड़ा हुआ है, नहीं बिगड़ा हुआ है के लिए अलग है बेटा, अभी बताता हूँ। अगर कोई रिलेशनशिप खोज रहे हो आप, एक खूबसूरत रिश्ता खोज रहे हो, अपने जीवन में एक खूबसूरत रिश्ता खोज रहे हो, डिवाइन रिलेशनशिप, ये है सिचुएशन, इसको और थोड़ा बेहतर करते हैं, डिवाइन ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, डिवाइन ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। वैसे स्विच वर्ड का मतलब कंप्रेस करना होता है, जितना छोटा हो उतना अच्छा। स्विच वर्ड का क्या मतलब होता है, इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। डिवाइन रिलेशनशिप, अब कोई भी रिश्ता अगर आप खोज रहे हो किसी से भी बेटा, तो पहले किसी और से रिश्ता खोजने से पहले अपने आप से रिश्ता अच्छा है या नहीं ये खोजो। खुद से प्यार करते हो, खुद को माफ़ करते हो, खुद पर हक जताते हो, खुद के लिए केयर करते हो, नहीं तो पहले खुद से रिश्ता अच्छा करो। इसके लिए एक और स्विच वर्ड है टुगेदर रिलेशनशिप, डिवाइन टुगेदर रिलेशनशिप, टुगेदर रिलेशनशिप
स्विच वर्ड है, इसमें डिवाइन ऐड कर दिए, या सिर्फ रिलेशनशिप को भी हटा दो, टुगेदर डिवाइन कह दो। स्विच वर्ड जितना छोटा हो उतना अच्छा होता है। टुगेदर डिवाइन, टुगेदर डिवाइन, टुगेदर डिवाइन, ये आपका अपने आप के साथ रिलेशनशिप को बेहतर कर देगा, खूबसूरत कर देगा, बेहतरीन कर देगा। जादुई तरीका है। सिर्फ 21 दिन से 45 दिन के भीतर आपका अपने आप के साथ एक रिलेशनशिप बन जाएगा, आपको आपकी कंपनी पसंद आने लगेगी, जो चीज़ आप किसी और में खोजते हो वो आपको अपने अंदर मिलने लगेगा। आप अपने आप के साथ बाइक में घूमना पसंद करोगे, आप अपने आप के साथ साइकिल में घूमना पसंद करोगे, आप अपने आप के साथ ऑटो में, ट्रेन में सोलो ट्रिप जाना पसंद करोगे, आप अपने आप के साथ बैठ के कुछ खाना पसंद करोगे, आप अपने आप के साथ गप्पे लगाना लड़ाना पसंद करोगे, आप सेल्फ टॉक करना पसंद करोगे। तो टुगेदर डिवाइन, रिलेशनशिप अंडरस्टूड है, और इसी को अब हम किसी और के साथ रिलेशनशिप अच्छा करते हैं। देखो पहले क्या बताया था, फाइंड डिवाइन रिलेशनशिप, किसी और को खोजना है तो वो तो मिल ही जाएगा, लेकिन किसी और के साथ रिलेशनशिप अच्छा बनाना है, कोई और ऑलरेडी आपके जीवन में है उसके साथ रिलेशनशिप को अच्छा बनाना है, तब क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? डिवाइन टुगेदर। पहले था टुगेदर, टुगेदर पहले क्यों किया, क्योंकि खुद से रिलेशनशिप अच्छा करना था। अब खुद से रिलेशनशिप अच्छा हो चुका है तो डिवाइन टुगेदर, टुगेदर डिवाइन, डिवाइन टुगेदर, पकड़ में आ रहा है बेटा, पकड़ में आ रहा है? टुगेदर डिवाइन, डिवाइन टुगेदर, डिवाइन टुगेदर। हाँ तो डिवाइन टुगेदर, रिलेशनशिप अंडरस्टूड है, बोल सकते हो, इंचेंट कर सकते हो, बिल्कुल करो लिखो, अच्छी बात है, लेकिन डिवाइन टुगेदर, टुगेदर डिवाइन, ये बोलने से आपको समझ में आ रहा है आप क्या कर रहे हो? वाजिब, क्लियर है? अब हम और आगे पढ़ते हैं। अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना चाहते हो, स्वर्ग जैसी ज़िंदगी में जीना चाहते हो, आनंद से भरना चाहते हो, सुख और शांति और समृद्धि से भरना चाहते हो, हेल्थ वेल्थ प्रॉस्पेरिटी से भरना चाहते हो, परमात्मा की असीम कृपा चाहते हो, एक अच्छा इंसान बनना चाहते हो, अच्छाइयों को अट्रैक्ट करना चाहते हो, अपने जैसे लोगों को अपने आसपास चाहते हो, खूबसूरत जीवन चाहते हो, अपनी फिजिकल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सोशल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ को खूबसूरत बनाना चाहते हो, तो सिर्फ एक खूबसूरत वर्ड बोलोगे बेटा, डिवाइन वर्ल्ड। इस संसार के लिए बोलो क्या? डिवाइन वर्ल्ड, डिवाइन वर्ल्ड, डिवाइन वर्ल्ड। अपनी खुद की दुनिया की बात चल रही है, परमात्मा आपके लिए एक डिवाइन वर्ल्ड क्रिएट करें, डिवाइन वर्ल्ड। अब ये सारी बातों को आप सीख गए, सारे कहाँ कहाँ डिवाइन लगाना है, ऐसे बहुत सारे स्विच वर्ड हैं जिसमें आप डिवाइन लगा सकते हो, मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है मेरे बच्चों। अब क्या इसको बोलने के लिए भरोसे की जरूरत है, आस्था की जरूरत है, विश्वास की जरूरत है? जी सर। है? नहीं है। आस्था और विश्वास ना पहले नहीं लाते, अगर पहले से आता होता ना तो पहले से आ जाता। पहले सिर्फ करो, सिर्फ इस सिचुएट का इस्तेमाल करो, इसे इंचेंट करो, इसको लिखो, बस करते रहो, एक दो ऐसे इंसिडेंट्स होंगे, अपने आप भरोसा आ जाएगा। बस एक गुजारिश है बच्चों कि ना भरोसा होना हो, दिल से करना, ये सोचे करना कि ये होने के लिए हो रहा है, तो रिजल्ट बहुत फास्ट होगा। अगर अपने इमोशंस को अटैच कर दोगे ना उन वर्ड्स के साथ, जादुई रिजल्ट मिलते हैं, जादुई रिजल्ट। तो डिवाइन, डिवाइन, ये अपने आप में स्विच वर्ड को लिखो, और उसके साथ जो भी ऐड करोगे उसमें डिवाइन एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी। ओके है जी, वीडियो में भी जो सब देख रहे हैं बच्चों, बहुत काम की चीज़ है। आशा करता हूँ ये अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, लेसन्स को अपने अंदर संभालो। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।